जय श्री राम। जैसा कि मैं बरहा धाम में पहुंची हुई हूँ और आपको बरहा धाम का में और आपको बरहा धाम में हाथीवान महाराज के दर्शन कराऊंगी, प्रेतराज महाराज का दर्शन कराऊंगी और समाधि वाले बाबा जहाँ समाधि लिए थे, कहा जाता है कि धरती के अंदर उन्होंने समाधि लिया था, वो जगह के भी मैं आप लोगों को आज दर्शन कराऊंगी। उससे पहले मैं आपको बाहर से मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। ये रहा मंदिर। अभी मंदिर बहुत छोटा था अंदर और अभी वैसा ही है और ऊपर से निर्माण किया जा रहा है, नीचे उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। बिहार का ड्राइवर नहीं है, गाड़ी भी चला रहा है। गाड़ी आदर्श को बता दो थोड़ा सा। बताने की जरूरत नहीं है, वो एक्चुअल पंडित है। यह है प्रेतराज महाराज का स्थान, यहाँ पूजा होती है प्रेतराज महाराज का। मेरा बेटा है प्रीतराज महाराज का पूजा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेडीजें नहीं जेंट्स पूजा करते हैं। ये रहे हाथीवान महाराज जी, इनकी पूजा यहाँ पे होती है और ये मेन मंदिर है हाथीवान महाराज जी का, जो कि बरहा धाम में स्थित है। और ये वो जगह है जहाँ समाधि वाले बाबा बोला जाता है ना, समाधि लिए हैं। मैं अंदर जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपको मैं ये दिखा पाऊँ थोड़ा, क्योंकि समाधि लिए थे तो समाधि बहुत अंदर, मतलब धरती में समाधि लिए हैं समाधि वाले बाबा, इस वजह से बहुत अंदर है और गुफा की तरह है, अंदर जाना पड़ रहा है झुककर। ये रास्ता है, आइए भैया। और ये पूरा अंधेरा है, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ फिलहाल। अपने आप बंद हो जा रहा फ्लैश, लाइट चलाओ ना टॉर्च। आज बंद हो जा रहा, नहीं काम कर रहा है। किधर अपना एक काम करेगा, मैं कैसे हूँ, ये ले लो। डराता है तू? नहीं कोई बात नहीं। ये समाधि वाले बाबा जहाँ स्वयं समाधि वाले बाबा ने समाधि ली थी, और ये अंडरग्राउंड इसीलिए बनाया गया है, जो मतलब मिट्टी अंदर धरती कोड़ कर ज्यादा गड्ढा करके और उसमें समाधि लिए थे ये। और सबका ले, यहाँ बहुत अंधेरा है। हाँ इस तरह से ऐसे है, चलिए। यहाँ कुछ नहीं, बस फोटो रखा हुआ है उनके नाम से, क्योंकि यहीं पे ये समाधि लिए थे। अंदर तो बहुत अंधेरा है, ये देखिए ऐसे घुसना है और इस तरह से झुक कर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता बहुत बना हुआ है, सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है, पर झुककर जाना होता है क्योंकि बहुत गहराई। अंदर में समाधि लिए थे तो उस दर्शन के लिए अंदर जाना होता है। तो मैंने आपको दिखाया समाधि वाले बाबा जहाँ समाधि लिए थे, और ये बाहर से ऐसे दिख रहा है पर वो सीढ़ियाँ बनी हुई है, और सीढ़ियों के ऐसे नीचे जाते जाते
मैंने कोशिश की दिखाने की, शायद आप लोग दर्शन कर पाए हों। जय श्री राम।